नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमें द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन मूलों को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास समीकरण है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो इसे सबसे पहले हम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास आता है a बराबर है x² के साथ है a, x² का गुणांक यहाँ पर है 3, तो a हो गया 3। x के साथ है b और यहाँ पे x के साथ है -4√3, इसका मतलब b का मान होगा -4√3, और इसी प्रकार से c का मान होगा +4, यानी c का मान होगा 4। सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें चाहिए होता है d यानी b² - 4ac। अब b कितना है? -4√3। b² का मतलब इस पूरे का स्क्वायर, -4 * a। a कितना निकाला? 3 * c। c कितना है? 4। इसे हमने हल करना है। आइए देखते हैं। देखिए, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 * 16, और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो 4 का स्क्वायर आया था 16 * √3 का स्क्वायर है 3, तो 16 * 3 हो जाएगा 48। माइनस इधर देखिए, यह है 4 * 3, 4 * 3 = 12, 12 * 4 = 12 / 48, तो ये भी आ गया 48। अब 48 में से 48 निकाला तो कितना आ गया? 0। इसका मतलब यह है कि हमारे पास विविक्तकर कितना आ गया, विविक्तकर यानी d कितना आ गया है? 0 आ गया है। d कितना आ गया है? 0 आ गया है। तो यदि हम समीकरणों के मूलों की प्रकृति को दोबारा देखें, तो देखिए d = b² - 4ac यदि 0 के बराबर है तो हमें प्राप्त होंगे 2 = वास्तविक मूल। तो हम लिखेंगे d = 0 है, अतः समीकरण के 2 = वास्तविक मूल हैं। इसे ही कहते हैं मूलों की प्रकृति। ये जो हमने लाइन लिखी है, ये है मूलों की प्रकृति। बेसिकली जो हमें निकालना था, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो हमने निकाल दिया। मूल कैसे होंगे? मूल होंगे बराबर और वास्तविक, 2 = वास्तविक मूल होंगे। अब क्योंकि मूल हैं तो हमें मूल निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? द्विघात सूत्र के अनुसार, द्विघात सूत्र के अनुसार। x = -b + √b² - 4ac / 2a, यही है ना द्विघात सूत्र बच्चों। तो इसके हिसाब से अब हम x का मान निकालेंगे। आइए देखते हैं। देखिए x = -b, बी हमने कितना निकाला था? -4√3, यही ना -4√3 बी की वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट, ये है अंडर रूट, आगे है b² - 4ac। तो देखिए b² - 4ac आपने अभी निकाला था, देखो b² - 4ac आपने अभी निकाला था 0 के बराबर। तो ये जो है b² - 4ac, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 0 / 2 * a। a हमने कितना निकाला था? देखिए 3, यहां से नहीं देखना तो यहां देख सकते हैं समीकरण में, x² के साथ वाली रकम a होती है, तो a किसके बराबर है? 3 के बराबर। इसे हम हल करेंगे। -(-) + 4 * √3 + -√0, 0 का रूट होता है 0, अपॉन नीचे आ गया 2 * 3 = 6। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें क्या करना है? यहां दो निशान है, प्लस माइनस, प्लस के नीचे माइनस, इसका मतलब है यहां प्लस भी है और
माइनस भी है, तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग केसेस बनाएंगे। एक बार ले लेंगे प्लस एक्स बराबर 4√3 प्लस 0/6, और दूसरी बार ले लेंगे माइनस एक्स बराबर 4√3 माइनस 0/6। इसे हल करेंगे, एक्स बराबर 4√3 में 0 प्लस करेंगे तो ये संख्या ऐसी आ जाएगी और नीचे रह गया 6, और यहां पर भी ऐसी 4√3 में से 0 माइनस करो, किसी भी संख्या से 0 माइनस करो तो वो संख्या वैसी ही रहती है, तो ये आ गया 4√3/6। इसे अब हम हल करते हैं, 2 के पहाड़ में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो एक्स का मान आ गया 2√3/3, और यहां से भी एक्स का मान देखिए, 2 के पहाड़ में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया 2√3/3, नीचे है 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक्स आया 2√3/3, यहां भी एक्स आया 2√3/3। हमने क्या कहा था, समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, ये दोनों ही संख्याएं वास्तविक हैं और बराबर भी हैं, यहां भी 2√3/3, यहां भी 2√3/3। इसका मतलब जो हमने मूलों की प्रकृति निकाली थी वो ठीक निकाली थी, तो यही इस प्रश्न में हमें करना है। पहले मूलों की प्रकृति निकालनी है, यदि मूल नहीं है जैसा कि पहले भाग में हुआ तो हम मूल नहीं निकालेंगे, यदि मूल है तो फिर द्विघात सूत्र के अनुसार हम दोनों मूल निकालेंगे। एक स्टेप पर जाकर प्लस और माइनस अलग अलग ले लेना है, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, यदि ना समझ आया हो तो वीडियो आप थोड़ा सा पीछे जाकर दोबारा भी देख सकते हैं। धन्यवाद।